हेलो गाइस, वेलकम टू टेक यस यूट्यूब चैनल। और गाइस, हर फोन के प्रोज रहते हैं, हर फोन के कॉन्स रहते हैं। चाहे वो 1000 का फोन हो या फिर वो 1 लाख का फोन, चाहे वो iPhone XS Max हो या कोई बटन वाला फोन हो, सारे में प्रोज और कॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही इंडिया में आज वीवो ने यहाँ पर Vivo Z1 Pro इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 15000 में आउटस्टैंडिंग डिवाइस है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। प्रोज तो आपने सारी जगह पर यहाँ पर देख ही चुके होंगे और मैंने कल की वीडियो में भी आपको टॉप इसके फीचर्स बताया था, तो वहां पर आपने चेकआउट करे होंगे तो आपको पता है भाई क्या क्या ये फोन में आपको अच्छी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन आज की वीडियो में यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट रहने वाले और आपको बताने वाले क्या कुछ आपको माइनर कमी देखने को मिलती है, क्योंकि खरीदने से पहले आपको जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोज जानना, उतना ही ज्यादा उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्स जानना भी। तो आज की वीडियो में यहाँ पर कॉन्स के बारे में बात करेंगे Vivo Z1 Pro के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी गलत तरीके से मत लेना, मैंने आपको बिल्कुल भी मना नहीं करो कि फोन को मत लेना, फोन डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो को पूरा देखो ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने का मौका मिल सके। बस इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक, ये वीडियो का लेकर टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बता दूं 15000 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नीचे कमेंट करके बोलेंगे भाई तेरे को कुछ पता नहीं, ये नहीं वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये टाइप की वीडियो बहुत सारे स्मार्टफोन में बनाता हूं, तो मुझे पता है कैसे टाइप के कमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए कमी के बारे में बात करें तो पहली कमी है यहाँ पर ये फोन की बिल्ड क्वालिटी। जनरली अगर आप वीवो के स्मार्टफोन देखते हैं तो ऐसे ही आपको देखने को मिलता है, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है, ग्लॉसी टाइप का आपको बैक पैनल देखने को मिलता है, डिजाइन वाइज काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। और आप पूछोगे भाई प्लास्टिक के डिसएडवांटेज क्या है, भाई इसमें नुकसान क्या है, तो मैं आपको बता दूं प्लास्टिक के फोन में आपको जो स्क्रैचेस है काफी जल्दी पड़ जाते हैं। अगर आपका नाखून भी अगर आप जोरदार अगर लग जाता है ग्लॉसी टाइप के पैनल पे तो वहां पर भी स्क्रैचेस आने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये चीज काफी बेकार है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूं जो इन हैंड फील है, जो आप ग्लास वाला फोन इस्तेमाल करते हो या मेटल वाला इस्तेमाल करते हो, तो प्लास्टिक में वो आपका इन हैंड फील देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज वीवो को यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत थी, क्योंकि ठीक ठाक है, इतना कोई खास बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। सेकेंड कमी के बारे में बात करें जो कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये डील ब्रेकर रह सकता है, यहाँ पर आपको कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है। आपको स्क्रीन गार्ड जरूर देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी काफी बड़ा डिस्प्ले है, आप 6.5 इंच का बहुत बड़ा डिस्प्ले होता है, अगर गिर जाता है तो एटलीस्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 3 या गोरिल्ला ग्लास 5 गोरिल्ला ग्लास 6 दे देते हैं, तो एटलीस्ट कस्टमर के माइंड में रहता है कि हाँ गिर जाएगा तो बचने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, इनफैक्ट डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है, लेकिन अगर प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दिया जाता तो वीवो यहां पर काफी बढ़िया डिस्प्ले को बोल सकते थे, लेकिन प्रोटेक्शन यहां पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर रह सकती है। तीसरी कमी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2019 का ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड होने वाला है, या बोल सकते हो मिड 2019 में हमें वीवो का यहाँ पर मैं इवेंट देख रहा था, वो बोल रहे थे भाई इनोवेशन के मामले में वीवो काफी जबरदस्त है। यस, मैं मानता हूँ कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वीवो ने लाया, बेजल लेस स्क्रीन वीवो ने लाया, लेकिन वीवो को इतना तो पता रहना चाहिए कि टाइप सी का फोन है और सारे कस्टमर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर टाइप सी पे स्विच कर चुके हैं। और अगेन वीवो 2019 में माइक्रो यूएसबी का पोर्ट हमें यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी यार बात है, क्योंकि जनरली अगर आप जितने भी नए फोन देखोगे 9-10 हजार में भी आपको टाइप सी के पोर्ट के साथ में देखने को मिल रहे हैं, तो वीवो को एटलीस्ट 15000 के फोन में टाइप सी तो प्रोवाइड कराना ही चाहिए था। फोर्थ और लास्ट कमी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेक रह सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी है। पर्सनली मेरे लिए यहाँ पर ये डील ब्रेकर है, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लाइट अगर आपको आदत हो जाती है ना कोई फोन में यहाँ पर देखने की, चाहे वो नोटिफिकेशन आ रहा हो या चार्जिंग में लगाने में लाइट जल्दी रहेगी, लेकिन अगर आपको आदत है तो भाई आप वो डेफिनेटली ये फोन में मिस करोगे। अब बहुत सारे लोग आके नीचे पूछेंगे भाई पंच होल डिस्प्ले तो नोटिफिकेशन लाइट लगाएंगे कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा बेजल लेस स्मार्टफोन नहीं है, नीचे आपको थोड़ी चिन देखने को मिल जाती है। अगर ब्रांड को वहां पर प्रोवाइड कराना है तो चिन में दे देगा, या आपका जो पंच होल डिस्प्ले उसके ऊपर में, या आप बोल सकते हो ग्रिल जहां पर दी गई है वहां पर भी लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो फीचर भी आपको ये फोन में मिसिंग है। तो गाइस, ये यहाँ पर 4 यहाँ पर माइनर कॉन्स आपको ये फोन में देखने को मिलते हैं, जो कि खरीदने से पहले एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए, आप लो या मत लो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए, वो मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है ये वीडियो को बनाने का।
बाकी ओवरऑल अगर फोन के बारे में बात करें 15,000 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro के साथ में कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली में कौन सा डिवाइस बेटर है। बाकी ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोगों को खरीदने से पहले पता रहना चाहिए। अच्छी चीज तो सारे बता रहे हैं लेकिन कमी भी पता होनी चाहिए। तो बस ये थी मेरी तरफ से वीडियो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जितने भी कौन बताए उसमें से कोई डील ब्रेकर आपके लिए है या नहीं है। 15,000 में आपके हिसाब से Vivo Z1 Pro वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप कि मेरे सब वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।